डियर फ्रेंड्स, स्टेट बैंक की वैकेंसी आई तो काफ़ी पहले है, अभी तक यदि आप लोगों ने नहीं भरा है तो जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं, स्टेट बैंक में क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है और इसमें लास्ट डेट जो है 27 तारीख है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो इसको अप्लाई कर लें। बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सबसे ख़ास बात इसी की ये है, दो फेज में एग्ज़ाम होने हैं, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, और देन डायरेक्ट आपको सर्विस मिलने वाली है। वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, और ऑल इंडिया में है ये, जैसा आप देख पा रहे हो अहमदाबाद की है ये 353 353 हो गई। ऐसे ही यहाँ एमपी के लिए है 389, और बंगाल में भी है 340 वैकेंसीज। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, और जैसे पहले ही कहा अपॉर्चुनिटी है इसमें ये ज़्यादा अच्छी है कि डायरेक्टली आपका विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन होने वाला है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के लिए है 28 ईयर, 20 से 28 साल के बीच में, 1/8/2022 को ये देखा जाएगा कि आप कितने समय के हैं। इसमें आपका 2/8/1994 है, 2/8/1994 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/8/2002 1 अगस्त 2002 इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए, इनके बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए एज यूजल 5 ईयर्स की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर्स हमेशा रहती है, PWD हैंडीकैप्ट इनके लिए 10 ईयर्स की छूट होती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपका ग्रेजुएशन है, December 11, 2022 इस समय तक आपका ये रिजल्ट क्लियर इन्हें मिलना चाहिए। यदि 30/11/2022 तक आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसा बताया आपको सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें सिर्फ दो एग्ज़ाम होने हैं, प्रीलिम्स और मेन। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके 100 मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, टोटल 100 नंबर्स का क्वेश्चन होने वाला है, 100 नंबर का पेपर है, और ड्यूरेशन समय आपको मिलेगा 1 घंटे का। देन सेकंड फेज मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ना। टोटल नंबर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो 190 हैं, 200 नंबर का पेपर होना है, और इसमें आपको लगभग 2.5 घंटा यानी 2 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इस वैकेंसी में जो आपको ओवरऑल DA वगैरह सभी कुछ अलाउंसेस मिला के मिलने वाला है वो मेट्रोस में लगभग 30,000 रुपये जाएगा, 29,000 इन्होंने बताया है। ठीक है, कॉल लेटर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है प्रीम्स का वो 29 अगस्त 2022 को रखा गया है, इसके लगभग 10 दिन पहले आपका नेट पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेन एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है, दिसंबर में जनवरी में होगा ये। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, एप्लीकेशन फ़ीस में SC/ST के लिए तो कोई फ़ीस है नहीं, और जनरल OBC EWS कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 750 फीस है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको sbi.co.in/career इस साइट पे जाना है। वैसे हम लिंक हमेशा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इनके ये पीडीएफ की लिंक भी नीचे हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यदि चाहें तो डिटेल और देखना है तो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास में फ़ोटोग्राफ्स चाहिए रहेंगे, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या रहेगा ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो या पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए रहेगा, ब्लैकिंग से हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके फ्रेंड्स, यदि अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसको समय रहते अप्लाई कर दें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट ऑफ लक।